गाइस रियलमी जीटी 2 के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है। ये जो हम यहाँ से सर ऑप्शन उठाते हैं गेम फोकस मोड, मैंने कल इसको ऑन किया था। इसको ऑन करने के बाद क्या होता है, हमारा स्क्रीन जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाती है ना। हम नोटिफिकेशन को नीचे कर सकते हैं टैप करके, ना हम होम बटन पर क्लिक करके गेम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये कल मैंने मोड को एक्टिवेट किया था, उसके बाद जो है ये ऑप्शन एग्जिट गेम फोकस मोड ये हट चुका था यहाँ से, मतलब ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। अब गाइस मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टक हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब अपने गेम को क्लोज किस तरीके से करूँ। तो मैंने गाइस इरिटेट होकर मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद भी मुझे इसके अंदर एक नया इशू देखने को मिला। पहले हम इसको बंद करते हैं, एग्जिट गेम फोकस मोड ऑन। आप देखो अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है ये नीचे से मैं उठा सकता हूँ। तो गाइस प्रॉब्लम ये आई थी, यहाँ से हम अपनी एप्स को क्लोज करते हैं जो भी हमारी रनिंग एप्स होती हैं, यार ये बटन जो है ना ये दबा दबा के परेशान हो गया, लेकिन ये ऑप्शन देखने को ही नहीं मिला। देखो मैंने कल स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, मैं उसकी वीडियो आगे अटैच कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें रैम मैनेजमेंट का ही एक इशू है। गाइस अब जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये मेरी कल की रिकॉर्डिंग है, कल रात की। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन किया, फिर मैं इसको क्लोज करने जा रहा था रनिंग ऐप्स को, लेकिन ये बटन काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद यार मैंने मतलब फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट किया, तब भी यही दिक्कत आ रही थी। मैं जो भी ऐप्स को ओपन कर रहा था वो रनिंग ऐप्स क्लोज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अगेन एंड अगेन मैंने 2 बार उसको रीस्टार्ट किया, नहीं कुछ हुआ। फिर एक बार फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद 5 मिनट बाद ऑन किया, तब जाकर ये ठीक हुआ। तो गाइस अगर 30,000 रुपये के फ़ोन के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत आएगी तो आई डोंट थिंक सो कि यू शुड बाई दिस फ़ोन। इससे अच्छा तो आप कोई दूसरे ब्रांड की और भी जा सकते हैं या फिर अदर मॉडल देख सकते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रियलमी GT 2 ही परचेज़ करें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही।